हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जो वैकेंसी आई है LDC, DEO, असिस्टेंट और अदर पोस्ट की, उसके बारे में, इसकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सभी के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इस फॉर्म को 16 अप्रैल से अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। 16 अप्रैल को इसका फॉर्म आ गया था। अब इसके बाद जो लास्ट डेट है वो 15 मई है, तो उससे पहले आप फॉर्म को फिल कर देना। जनरल EWS OBC की जो इसमें फ़ीस है 1000 है। ST SC और जितनी भी फीमेल कैटेगरी हो, चाहे वो जनरल की हो, OBC की हो, सबके लिए 600 है। PWD के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट है। सो ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसीज हैं, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दी है। आप देख सकते हो, अकाउंटेंट, ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट कम अकाउंटेंट, टोटल 10 पोस्ट है। जनरल की 6, SC की 1, OBC की 2, EWS की 1। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट की इसमें 3 वैकेंसी है, और जनरल की है बस। डेटा एंट्री ऑपरेटर Grade 3 की इसमें 21 वैकेंसी है, जिसमें 10 जनरल की है, SC की 3, ST की 1, OBC की 5, EWS की 2। इसके बाद लोअर डिवीजन कलर की 11 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 8 है, SC की 1 है, OBC की 1, EWS की 1 है। टोटल इसमें 46 वैकेंसीज हैं, जनरल की 28 है। सो ये आप डिटेल देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। सो ये इन्होंने सैलरी दी है, और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दिया है इन्होंने। जो अकाउंटेंट हैं उनके लिए जो एज लिमिट है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। Level 6 की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये क्वालिफ़िकेशन की डिटेल है, आप देख लेना। इसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना डिटेल में। इसके बाद असिस्टेंट की है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे सिलेबस है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, देख सकते हो। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट विल हैव 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मेनली कंप्राइजिंग ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट टॉपिक बट शैल नॉट बी लिमिटेड इट। यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सिलेबस दे रखा है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एबिलिटी, जनरल हिंदी या फिर इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मिनट में करना होगा। ये सारा आप सिलेबस देख लेना स्क्रीनशॉट लेके, सभी का इसमें लगभग सेम ही है। आप कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पे इन्होंने डिटेल दिया है इसका। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट ओपन होगी, आपको वो सारा प्रोसेस बता देंगे। ये एज लिमिट वगैरह का है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे पहली बार हो, सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू गाइज़।